हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन स्कूल। आज हम हमारे क्लास टेंथ क्वेरी सेशन के 35th क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे चैनल में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रतिभा ने हमारे चैनल पे क्वेश्चन पूछा है और चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, कौन सी इक्वेशन ग्राफिकली ऑफ 2x-y = 2 एंड 4x-y = 4। ठीक है, हमें कहा है हमें सॉल्व करना है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे ग्राफिकली मतलब होता है ग्राफ पे, हमें यहाँ पे ग्राफ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है और लाइन्स बनानी है और एक कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना होता है। चलिए करते हैं। पहले हमें क्या दे रखा है, 2x-y = 2 है ना, हमें दे रखा है। इस सिचुएशन में हम पहले करते हैं कि 2x = 2 + y लिखता हूँ मैं इसको, और इसको एक्स क्या लिखता हूँ मैं, 2y / 2 है ना। तो मैं किसी भी एक को दूसरे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2x-y के लिए हम पेन कह रहे हैं पहला केस है हमारा ही, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एक बॉक्स टाइप बना लेंगे, क्योंकि हमें अगर दो लाइन अगर हमें कहीं लाइन रखनी है तो कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। और 2 पॉइंट कब आएंगे, जब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ढूंढेंगे। तो हम 2 पॉइंट को ये भी ढूंढेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे एक्स, ठीक है, और यहाँ पे 2x/y / 2, या कहें तो जो एक्स की वैल्यू है, नहीं नहीं यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, ठीक है। तो अगर मैं वाई की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट कपो अगर मैं नेट y = 0 करता हूँ तो x = क्या आएगा, 2/2 = 1। तो y = 0 और x = 1, ठीक है। अगर मैं y को 4 रखता हूँ, या नेट का बुक 4 ना रख के हम रखते हैं इसको 2, अगर मैं यहाँ पे ही नेट y = 2 रखता हूँ, है ना, तो मेरा क्या आएगा, x = 2 + 2/2 विच इज 4/2 = 2। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ वाई, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गए फॉर दिस लाइन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो पहला ये था, दूसरा वाला जो इक्वेशन थी, हम उसको करेंगे कौन, तो 4x-4 = y है ना, ये है ना, सॉरी 4x-y = 4 है, 4x-y = 4। तो अभी मैं x को वापस y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूंगा, तो 4x = क्या आएगा, 4+y, और x = क्या होगा, 4+y / 4, ठीक है। फिर वैसे ही हम एक और केबिंग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वही केबिंग बनाएंगे, हमें कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं, जैसे हमने पहले निकाले थे वैसे हम एक बार भी निकालेंगे, ठीक है, और फिर उनको लॉक करेंगे x और y, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो पहले मुझे y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, नेक y = 0, इस केक में भी x = क्या आएगा, 4/4 विच वुड बी इक्वल टू 1, तो 0 1 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ आपका 2 रख देता हूँ, 2 नहीं 4 ही रख देता, चलिए, तो नेक y = 4, ठीक है, तो क्या आएगा, x = 4 + 4/4 विच इज 1/4 = 2। तो अगर मैं यहाँ पे y = 4 रखता हूँ तो ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, और प्रतिभा ने कहा है कि इसको हमें एक्सकॉन करना है इस तरीके से। तो ये हमारा ग्राफ है ना। अब इस ग्राफ के पहले हम इसकी बात करेंगे कि 2x-y = 2। चलिए पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो देख लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हम ए रख लेते हैं, 1 और 0 होगा। दूसरा हम बी रख लेते हैं, 2 और 2 आएगा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। चलिए यहाँ पे प्लॉट करते हैं, a 1 0 रखा मैंने, है ना, a 1 0। तो 1 0 मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x डैश और ये हमारा y डैश, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जब हमें पॉइंट करने पर हमें पहले जो प्लॉट करना है
वो है 1 और 0। इट मीन्स कि वाई एक्सिस, ये हमारा जो ए पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है कुछ यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे है, ठीक है पहला पॉइंट। तो हमें क्या लिख देंगे, ए सॉरी ए 1 और 0 ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारा बी पॉइंट क्या था, 2 एंड 2, ठीक है। तो 2 यहाँ के और 2 यहाँ के, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो बी क्या लिख देंगे हम, 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं ऐसे में, ऐसे में हम एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है ऐसे में सीधे में, ठीक है। हमने एक लाइन खींच दी, एक लाइन आगे एक्सटेंड हो सकती है, बट मैं इसको यहीं तक रखूँगा, ओके। और एक आता है हमारा, अब हम उसकी बात करेंगे इस वाले हमारी इक्वेशन की। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि 1 और 0 और डी 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे सी और डी पॉइंट हमें प्लॉट करना है। सी पॉइंट है हमारा 1 और 0, अगर हम यहाँ पे देखें तो ए पॉइंट पे हमारा 1 और 0 था और सी पॉइंट पे हमारा 1 और 0, तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे, ठीक है। और डी पॉइंट हमारा है 2 और 4, तो 2 और 4, 2 ये है 4 ये है, तो यहाँ पॉइंट नॉक कर दिया, डी 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन खींच सकता हूँ, क्यों खींच देते हैं लाइन को, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये लाइन खींच दी। तो अब इसमें आपने, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सॉल्व क्या करना था। तो एक्चुअली हमें एक कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना था, और हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने कॉमन सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, विच इज 1 0, ठीक है। सॉरी, हमारा ये कॉमन सॉल्यूशन जो है यही हमारा सॉल्यूशन आएगा, मतलब हमें एक्स की वैल्यू 1 और 0 रखनी पड़ेगी, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इसमें में इतना ही है, हमारा आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे और आपकी मदद करते रहे। आपके मैथ के पेपर को आने में अब ज़्यादा देरी रही नहीं है, और बहुत जल्दी ही आपका मैथ का पेपर होगा बोर्ड का। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई होप आप अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।